हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए अगर आप एथलीट हो या फिर स्पोर्ट्स मैन। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में आप नींबू और शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नींबू और शहद नहीं है तो आप अपना गर्म पानी पी के फ्रेश होने जा सकते हैं। जब आप नींबू पानी पी के अपना पूरा गर्म पानी पी के जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो उसके बाद आपका पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, और जब पेट आपका साफ़ होगा तो आप इजली सारी चीज़ अपने पेट में स्टोर कर सकते हो। ओके, सो फ्रेश होने के बाद आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप नॉर्मली फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर खजूर खा सकते हो, या फिर एक मुट्ठी चना खा सकते हो। ओके, फिर आप क्या कहते हैं, अगर आपको कोई वर्कआउट करना है तो 30 मिनट पहले ये सब चीज़ें खानी है। फिर जब आप वर्कआउट करने के बाद घर आते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप पानी ज़रूर से ज़रूर पीजिए। आपको मैक्सिमम 10 से 12 गिलास पानी पीना होगा, क्योंकि जब आप पानी पीते हो ना तो आप क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन नहीं होता है, और आपके जितने भी डिजीज़ हैं स्किन इन्फेक्शन वगैरह ये सब भी नहीं होते हैं। और हमारे बॉडी में पानी जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। फिर चलो भाई जिम से वापस आए, हाँ कोई भी वर्कआउट करके वापस आ गए, फिर उसके बाद आपको नॉर्मली ज़्यादा हैवी नहीं, मतलब कि नॉर्मली डाइट लेनी है। जैसे कि आप पराठे के साथ कर्ड ले सकते हो, बोले तो दही ले सकते हो, या फिर रोटी घी खा सकते हो, या फिर आप ब्रेड बटर खा सकते हो, या फिर आप पनीर पराठा खा सकते हो। ओके, फिर ये सब खाने के बाद 11 से 12 बोले तो 10 से 12 के बीच में आपको कुछ भी फ्रूट सैलेड खा सकते हो आप, ठीक है। फ्रूट सैलेड आप सारे फ्रूट्स को मिला के खा सकते हो, या फिर नॉर्मली सलाद खा सकते हो, या फिर कुकुम्बर उठा लिए, मतलब बोले तो खीरा उठा लिए, टमाटर उठा लिए, ये सब खा सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके बॉडी के लिए। हाँ, तो ये सब खाने से होगा क्या कि आपका जो डाइट है वो अच्छा होगा। आप आलू भी खा सकते हो, कच्ची आलू 10 से 12 के बीच में, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं खाना है। आप एक दो आलू खा सकते हो काला नमक डाल के, ठीक है। आप चाट बना के खा सकते हो, वो जैसे कि चना और मूंगफली, टमाटर प्याज डाल के पूरा चाट बना के खा सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद 1 से 1.5 बजे के बीच में, बोले तो 1 से 1:30 के बीच में आपको खाना खाना है। आपको नॉर्मली खाना खाना है, जैसे कि रोटी सब्जी दाल चावल। अगर आप पतले हो तो आप क्या कहते हैं घी मिला के खा सकते हो, है ना। तो ये आपका नॉर्मली खाना रहेगा। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आपकी जो सब्जी होगी वो हरी होगी, मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल होगी। फिर जो शाम का शेड्यूल होगा 4 से 6 के बीच में, जो आप नॉर्मली नाश्ता करते हो, तो आप उसमें आप दलिया खा सकते हो। हाँ, मीठी दलिया हो या फिर कड़वी दलिया हो चलेगा। ब्रेड बटर खा सकते हो, और चने खा सकते हो, या फिर फ्रूट सैलेड खा सकते हो। फिर उसके बाद रात के खाने में आपको क्या खाना है, रात के खाने में आपको ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, ठीक। आप नॉर्मली खाना खाओगे, जैसे कि आपको मैक्सिमम 2 रोटीज़ खानी है, और थोड़ा सा चावल ले लेना है। और अगर चावल ना हो तो मतलब चावल ज़्यादा ज़्यादा अवॉइड करें, आप 3 रोटी खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात में ज़्यादा हैवी मील लेने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, शाम को आप बनाना शेक भी पी सकते हैं। ओके, फिर रात में आपको सोते टाइम पूरा नॉर्मली अपना खाना खाना है, और हो सके तो जो चावल हो थोड़ा फ्राई करके हो, तो अगर फ्राई चावल आप खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा। और फिर रात में सोने से पहले आपको गर्म दूध पीना, आप उसमें हल्दी मिला सकते हो, है ना, फिर नॉर्मली गर्म दूध पी सकते हो। तो ये थी आपकी टोटली डाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।